दोस्तों नमस्कार, इजी लेटिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वो तो कर ही दीजिएगा सब्सक्राइब, वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए आज देखेंगे कि आपको केबल के देख के क्या पहचान है कि एचटी केबल है कि एलटी केबल है। क्वेश्चन नहीं है आपका, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है। देखिए ये मैं दो ठो आपको केबल दिखा रहा हूँ, एचटी केबल और एलटी केबल। ये दोनों एचटी केबल और एलटी केबल मैं दिखाया हूँ। इसमें आपको देखना है कि क्या चीज़ है जो डिफरेंस है, जिसको देख के आप बता सकते हैं कि नहीं ये एचटी केबल है ये एलटी केबल है। यही तो टेक्नीशियन का मेन माइंड मास्टरमाइंड है। देख सकते हैं ये एलटी केबल और एचटी केबल को आपको सोचिए, कंडक्टर है इसमें, इंसुलेशन है, आर्मर है, मतलब आउटर सेल्थ है, जो लेयर है आउटर इंसुलेशन कवर है, सब कुछ है। तो क्या चीज़ इसका ऐसा डिफरेंस है कि हम देख के बता सकते हैं कि ये एचटी केबल है कि एलटी केबल है, क्वेश्चन ये है। और इसके बारे में मैं पूरा जानकारी देखूंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और इजी इलेक्ट्रिकल को आप और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। देखिए ये एलटी केबल, ये जो रेड में लिखा हूँ वो एचटी केबल है और जो ब्लू में लिखा हूँ वो एलटी केबल है। एचटी और एलटी मतलब हाई टेंशन, जो हाई वोल्टेज में चलता है, हाई टेंशन केबल होता है, मतलब हाई वोल्टेज में चलता है। और एलटी केबल क्या होता है, लो टेंशन होता है, लो वोल्टेज में। इसको हमने एचबी केबल और एलबी केबल बोलते होते हैं, लो वोल्टेज केबल और हाई वोल्टेज केबल ये बोल सकते हैं। देखिए अब पहले ये देखते हैं एचटी केबल का कंडक्टर और एलटी केबल का कंडक्टर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। देख सकते हैं इसमें भी इतना कंडक्टर है, इसमें भी इतना कंडक्टर है। ये देखिए ये जो स्टील आर्मर है, एलटी केबल का स्टील आर्मर और एचटी केबल का स्टील आर्मर, ये दोनों भी आपका सेम है। इसमें भी कोई फर्क नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। जो आउटर स्लेट है, ये देखिए आउटर जो स्लेट के बारे में, जो आउटर इंसुलेशन कवर के बारे में बताऊं, ये भी आपका पीवीसी का है, ये भी पीवीसी का है और हार्ड पीवीसी है, ये भी हार्ड पीवीसी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है आपका। ये सोचिए एलटी केबल, एचबी केबल और एलबी केबल या एचटी केबल और एलटी केबल में क्या डिफरेंस है, यही मैं बता रहा हूँ। देखिए कंडक्टर सेम है, आर्मर सेम है, इंसुलेशन सेम है, लेयरिंग सेम है, तो ये क्या है जो मैं राउंड मारा हूँ दोस्तों, ये डिफरेंस है, यही तो है डिफरेंस। इसी को तो देख के आपको पहचानना है। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये क्या चीज़ें जानते हैं आपने, ये है इंसुलेशन। जो कंडक्टर की ऊपर वाला लेयर का इंसुलेशन होता है वो है सी, आप देख सकते हैं। देखिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, जो कंडक्टर की ऊपर वाला जो इंसुलेशन रहता है वो डिफरेंस रहता है, जमीन आसमान की डिफरेंस रहता है। और इसी को देख के पहचानना है कि ये एचटी केबल है या एलटी केबल है, इसी चीज़ को देख के आपको पहचानना है। और दूसरा कोई चीज़ नहीं देखना है, कंडक्टर नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, उसी चीज़ को देखना है। देखिए और देखिए एचटी केबल में सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। देखिए यही चीज़, जो कंडक्टर है, जो कंडक्टर का ऊपर वाला जो इंसुलेशन कवर है, उसी चीज़ को आप एक बार देखिए वो क्या होता है। देखिए मैं आपको इजीली समझता हूँ, ये इजीली टिका है, मुझे इजीली थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ को देखना है। देख सकते हैं इसका कंडक्टर सेम है, आर्मर सेम है। मैं देखिए आर्मर टू आर्मर में आपने इम्प्लाई दे दिया, आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो स्लेट है वो भी सेम है, मान के चलिए सेम ही है। लेकिन जो राउंड मारा हूँ ब्लू कलर का, वो कंडक्टर का ऊपर वाला जो इंसुलेशन लेयर होता है वो सेम नहीं है दोस्तों, उसी चीज़ को देख के आपको पहचानना है। देखिए इसमें क्या रहता है, देखिए उसमें खाली इंसुलेशन रहता है, इसमें क्या है मतलब मस्ट इंसुलेशन रहता है, जिसमें पंचर होने का कोई चांस नहीं रहता है, लीकेज करंट होने का कोई चांस नहीं रहता है। उसमें एक सेमीकंडक्टर लेयरिंग भी रहता है, उसको छीलना पड़ता है, समझ रहे हैं, एचटी केबल में। और एक चीज़ जान लीजिए, एचटी केबल में आर्मर का अलावा और एक लेयर दिया रहता है अर्थ करने के लिए, एक लेयर हमेशा चलते रहता है, लेकिन एलटी केबल में नहीं रहेगा, पोर रहता है उसका। इसका इंसुलेशन एलटी केबल का इंसुलेशन पोर रहता है और एचटी केबल का जो इंसुलेशन रहता है स्ट्रांग रहता है, पंचर होने का तो कोई चांस ही नहीं है, डैमेज होने का तो कोई चांस नहीं, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता मैकेनिकल ट्यूब। सोचिए यही चीज़ को आपके देख के पहचान, ये बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई साहब, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिएगा कि कोई भी अगर पूछेगा कि लो वोल्टेज केबल और हाई वोल्टेज केबल या लो टेंशन केबल और हाई टेंशन केबल में डिफरेंस क्या चीज़ है, तो आपको सीधा सीधा बताना है डिफरेंस है उसका इंसुलेशन, कुछ चीज़ नहीं। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका इंसुलेशन फेलोर हो सकता है, इसका इंसुलेशन फेलोर नहीं हो सकता है, ये मेरा 15 साल की एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। और आपको
अगर मेरी इजी लेटिकल को अगर आपने लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो तो कर ही दीजिए सबसे पहले। और देखिए मेरा काम ही आपको इजीली समझाना है। देखिए इसमें क्या है, डू नॉट फेलोर में लिख दिया हूँ, इसमें कोई फेलोर होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन इसमें एक इसका एक डिसएडवांटेज है जो कि इसका जो मीटर है बहुत महंगा पड़ता है और उसका जो रेट है रेट कम पड़ता है। और देखिए ये क्या होता है, हमेशा हाई वोल्टेज वाला जो एप्लीकेशन है वहाँ पर रिकमेंड करता है आपको। सबसे पहले ये भी आपको एक भी एक पॉइंट मिलता है कि हाई वोल्टेज, लेकिन आपको तो इंटरव्यू में दो केबल दिखा जाएगा, आपको तो दो केबल दिखा जाएगा, दोनों केबल को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? और कोई डिफरेंस नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन पहचानने का तरीका है इसका जो कंडक्टर का ऊपर वाला जो इंसुलेशन होता है इसी से पहचानना है आपको, और कहीं से नहीं पहचानना है। ये जो इंसुलेशन लेयरिंग होता है कंडक्टर के जो ऊपर वाला जिसमें मैं राउंड मारा हूँ, ये दोनों में राउंड मारा, उसी चीज़ से आपको पहचानना है, यही ये डिफरेंस इसका। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप केबल कंपनी वाले को भी पूछ सकते हैं, यही डिफरेंस होता है। और आप विश्वास करिए, देखिए आगे देखते हैं कि क्या है इसकी जो लेयरिंग डिफरेंस क्या होता है, इसका जो एसटी केबल और एलटी केबल का जो लेयरिंग डिफरेंस क्या होता है। देखिए इसमें चिपिंग, इसका भी कंडक्टर चिपिंग पूरा माइनर सी होता है, इसमें भी चिपिंग माइनर सी होता है। पहली वाली बात, एसटी केबल में एक तो एक एडवांटेज है कि इसमें सेमी कंडक्टर डिवाइस रहता है, कंडक्टर रहता है, इंसुलेशन रहता है, इसका हार्डली इंसुलेशन रहता है, मस्ट इंसुलेशन रहता है, इसमें पंचर तो पंचर, उसमें मक्सियर जाने का भी चांस नहीं रहता है, थोड़ा सा भी मक्सियर नहीं जाता है। अगर हम दोनों एंड को छीलेंगे तो अगर हमने उसको 10 साल कर दिए छीलेंगे तो मक्सियर नहीं जाएगा। एलटी केबल में मक्सियर जाके अल्मोनियम को सड़ा देता है, मक्सियर जाके अल्मोनियम सड़ता है, आप जानते हैं ना, आपने देखे होंगे पुराना केबल को उठा के देखिए अल्मोनियम का, वो सड़ने लगता है। तो एसटी केबल में वो चीज़ भी आपको नहीं मिलेगा, उसमें ये चीज़ भी नहीं मिलेगा। आप जानते होंगे कि इसी का जो डिफरेंस मैं बता रहा था कि यही है जो डिफरेंस, जो एसटी केबल और एलटी केबल का जो राउंड मारा हूँ ये चीज़ है डिफरेंस, और कुछ चीज़ डिफरेंस नहीं होता है। आपको सीधा सीधा कॉन्फिडेंस का साथ आंसर देना है कि एसटी केबल और एलटी केबल या हाई वोल्टेज केबल और लो वोल्टेज केबल में ये आपको, देखिए मैं लिख दिया हूँ वायरमैन लाइसेंस में, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है आपका, जब अंडरग्राउंड केबल देंगे तो इसी का ही आपका एक क्वेश्चन देगा, इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बताएगा कि एसटी केबल और वाल्टी केबल डिफरेंस बिटवीन टी आउट, ये पूछेगा आपको क्या डिफरेंस है। या बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो एक क्वेश्चन होता है कि एलटी केबल और जो एसटी केबल है इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग कमेंट करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझाने का बहुत कोशिश करूँगा, अगर नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको समझाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है, और इसका जो इंसुलेशन है जो कंडक्टर का ऊपर वाला लेयर का जो इंसुलेशन है इसी से हम लोग देख के क्या करते हैं, हमने जो एसटी और एलटी केबल को डिफाइन करते हैं कि कौन सा एसटी केबल है और कौन सा एलटी केबल है, और इसी चीज़ को देखिए आपने। और मेरा आने वाला एक वीडियो है एचबी केबल और एलटी केबल, जो मैं बता रहा था कि लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल का, इसके बारे में डिटेल बताऊँगा, आप देखिए विद इन 10 डे के अंदर में।